हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिली पनीर। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी चिली पनीर बनकर तैयार हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, पनीर की क्यूब्स कट करके ले लिए हैं। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, तो इन चीज़ों से इसको अच्छे से कोट कर देंगे। और यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको फ्राई कर लिया है पनीर को, और यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है। अब कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें अदरक का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्च 1 कटी हुई वो डाल दी है। और 1 मिनट के बाद उसमें प्याज और कैप्सिकम डाल दी है। अब यहाँ पे जो प्लेट में कॉर्नफ्लावर बच गया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसी में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। अब इनको चीज़ों को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब यहाँ पर मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर डार्क सोया सॉस ली है मैंने, 2 चम्मच वो डाल दी है। अब यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल दी हूँ, और यहाँ पे जो कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना के रखी है वो डाल देंगे। और यहाँ पे 2 चमचे मैं पानी डाल दूँगी इस तरह से। और इसमें एक बॉईल आने के बाद हम पनीर को मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही क्विक और आसान है फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।